हेलो एवरीवन, नाउ आई एम हियर अगेन टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ द रीडर पार्ट, अ लेडी विद अ मिशन. ओके, नाउ सो आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टूड. ओके ओके, दिस इज द लास्ट. नाउ बेटा, इन दिस स्टोरी वी विल रीड दैट a lady who's belong to Karnataka. Okay, the story of this lady, the name of this lady is Chikaya. Okay, and the couple name of Chikaya and Thimakka. Theek hai, then this is the inspiring story of the lady, and you should call the couple because they are leading the role together to plant the trees. Okay, you will got the many information and the knowledge in this chapter. So we have to read the chapter to got the new information about the lady. So we will read the chapter and start now. Okay beta, now look here, this is the warm up. Okay, the question is for you to warm up. You trees and plants are part of our lives, this is also you know very well. Close your eyes and think of a world without trees. Okay, you will close your eyes, then if what you look, that if the trees are not in this world, what happen in the space below? Write five things that we would not have if there were no trees or plants. Theek hai, here is the space and you have to write the five sentences that if you have no trees in this world, what happen. Okay, you know very well, suppose if you have no tree, that you have no oxygen. Okay, now and this is the trees gives us fresh food and vegetables also. Okay, जो vegetables और food हमें मिल रहे हैं वो भी हमें plants से मिल रहे हैं. And the next thing is wood. Okay, wood for furniture. और जब पेड़ ही नहीं होंगे तो हमारे पास लकड़ी नहीं होगी, जब लकड़ी नहीं होगी तो हमारे पास furniture भी नहीं होगा. ठीक है, now next one is beautiful flowers, they attract us. Okay, तो हमारे पास में ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी नहीं होंगे. एंड लास्ट वन इज मेडिसिन, सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज द ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन. एंड इफ यू नो अबाउट द मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रीज, यू कैन राइट हियर. नाउ वी आर रीडिंग द स्टोरी. सो मूविंग फॉरवर्ड, थिमाका वॉज बॉर्न इन टू अ वेरी पुअर फैमिली. थिमाका जो थी वो एक बहुत ही गरीब यानी कि पुअर फैमिली में उसका जन्म हुआ था. ठीक है, सी नेवर वेंट टू स्कूल, और देखिए वो कभी स्कूल भी नहीं गई. ठीक है, द नेम ऑफ द लेडी वॉज थिमाका, एंड इवन टुडे सी कैन नॉट रीड और राइट. और आज तक भी वो, सी इज लीडिंग द लाइफ. ठीक है, वो भी जिंदा हैं, सो आज तक वो लिखना और पढ़ना नहीं जानती हैं. सी मैरिड चिकाया वैन सी वॉज वेरी यंग, जब वो यंग एज में थी तो उनकी शादी चिकाया नाम के एक पर्सन के साथ हो गई. थिमाका एंड हर हस्बैंड चिकाया लिव्ड इन ए स्मॉल हट इन हुलीकल. ठीक है, तो थिमाका और उसका जो हस्बैंड था चिकाया, वो एक छोटी सी झोपड़ी में, हुलीकल दिस इज द नेम ऑफ मे बी आर टाउन, ओके, ए विलेज इन कर्नाटक. ओके, दिस इज द नेम ऑफ ए विलेज, हुलीकल, कर्नाटक में एक गांव का नाम था हुलीकल, जिसमें ये छोटी सी झोपड़ी में रहते थे. बोथ डिड वट एवर वर्क दे कुड गेट, उनको जो भी काम मिलता था वो उसको करते थे. दे अर्नड इनफ टू ईट एंड दे हैड ए होम, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त था और उनके पास घर भी था. बट दे वर अनहैप्पी, लेकिन वो क्या थे, अनहैप्पी थे बेटा. ठीक है, खुश नहीं थे. दे हैड नो चिल्ड्रन, द रीजन ऑफ हिज
अनहैप्पीनेस बिकॉज दे हैव नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे. आई एम लोनली सैड थिमाका. एक दिन थिमाका ने बोला चिकाया से कि मैं बहुत अकेली हूँ. आई हैव नथिंग टू डू इन द इवनिंग्स. जब शाम होती है तो मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है. चिकाया थॉट फॉर अ वाइल एंड सेट. कुछ समय के लिए थिकाया ने सोचा और फिर बोला लेट अस प्लांट्स ट्री. क्यों ना हम ऐसा करें कि चलो हम पेड़ लगाएं. थिमाका नोडेड. दिस इज द पोजिशन टू से यस आर नो. ठीक है, जब हम किसी को बिना बोले आंसर यस या नो में करते हैं देन वी डू दिस टाइप. दिस इज द बॉडी लैंग्वेज कॉल्ड नोडेड. तो थिमाका ने अपना सिर हिलाया. दे विल बी आवर चिल्ड्रन. सी एग्रीड. वो बहुत खुश हो गई और इस बात से राजी भी हो गई कि वो ही हमारे बच्चे बनेंगे. विच वन द ट्रीज. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड दे लुक फॉर ए प्लेस टू प्लांट दियर ट्रीज. अब वो प्लांट कहाँ, वो ट्रीज जो है वो प्लांट कहाँ करेंगे, उसके लिए जगह को ढूंढने लगते हैं. आउटसाइड दियर विलेज वॉज ए रोड दैट कनेक्टेड हुलीकैन एंड कुदर ए टाउन 4 किलोमीटर्स अवे. आउटसाइड दियर विलेज, उनके गांव के बाहर एक रोड था जो जुड़ता था हुलीकल से लेकर कुदर. ठीक है, ए टाउन 4 किलोमीटर्स अवे. और वहाँ से वो एक टाउन था, ठीक है, कुदर जो था 4 किलोमीटर्स अवे, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर था. ऑल द विलेजर्स यूज्ड दिस रोड टू गो टू कुदर एंड बियॉन्ड. सारे जो गांव वाले थे जब कुदर जाते थे तो इसी रोड से होकर जाते थे. बट वॉकिंग ऑन दिस रोड वॉज डिफिकल्ट बिकॉज इट वॉज हॉट डस्टी एंड ड्राई. वाई इट इज डिफिकल्ट टू मूव इन दिस रोड, बिकॉज क्योंकि जो रोड था वो बहुत गर्म रहता था. ठीक है, डस्टी, उस पर धूल बहुत थी, एंड ड्राई और सूखा था. कैन यू गेस वाई, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों था. देयर वर नॉट एनी ट्री ऑन द साइड ऑफ द रोड बिकॉज उस रोड पर किसी साइड में कोई पेड़ नहीं था. थिमाका एंड चिकाया डिसाइड टू प्लांट बेनियन ट्रीज अलोंग दिस रोड. थिमाका और चिकाया ने प्लान किया कि हम इन दोनों जो रोड है इन दोनों तरफ की साइडों पर बेनियन ट्री प्लांट करेंगे. ठीक है, बरगद के पेड़ लगाएंगे. फर्स्ट दे वेंट अराउंड द विलेज एंड कलेक्ट सैपलिंग दैट हैड ग्रोन अंडर बेनियन ट्रीज. पहले तो वो जाते हैं, ठीक है, और पूरे गांव में घूम घूम कर. सैपलिंग मीन्स होता है बेटा छोटे पौधे, ठीक है, जिनको हम प्लांटेशन करते हैं ना बहुत ही स्मॉल साइज में, ठीक है, तो उनको हम सैपलिंग बोलते हैं. तो इसलिए पहले वो गांव में घूम घूम कर बरगद के पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगे थे उनको कलेक्ट करते हैं. दीज दे प्लांटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द कुदर हुलीकल रोड. हुलीकल रोड, फिर वो इसको हुलीकल और कुदर को जोड़ने वाली जो रोड थी उसकी दोनों तरफ प्लांट करते हैं. नाउ इट इज नॉट डिफिकल्ट टू प्लांट ट्रीज. अब प्लांट को, पौधे को लगाना मुश्किल नहीं था. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट दे लिव. लेकिन आपको ऐसे कैसे श्योर होगा कि जो पेड़ हम लगा रहे हैं ये बड़े भी होंगे, ठीक है, ये सर्वाइव भी करेंगे. यू हैव टू वाटर देम. ठीक है, इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि हमने बस प्लांटेशन कर दिया और हम घर आ गए. ठीक है, यू हैव टू नीड टू वाटरिंग द प्लांट्स. ठीक है, जब हमने पौधे डाले हैं तो उनमें पानी भी देना पड़ेगा. यू हैव टू वाटर देम. ठीक है, उनको पानी देना पड़ेगा. सी द कैटल एंड गॉड्स डू नॉट ईट देम अवे. और हमें जो भेड़ बकरियां और एनिमल्स होते हैं उनसे भी उनको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो उनको खा जाए. एंड पीपल डू नॉट डैमेज देम. और ऐसा ना हो कि कोई जो केयरलेस पर्सन हो उसको उखाड़ दे. ठीक है, सो चिकाया बिल्ट ट्रीज गार्ड अराउंड ईच सैपलिंग विद थ्रोन्स. अब बेचारे जो चिकाया था उसका हस्बैंड था वो प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो जो छोटा सा बेनियन ट्री है वो जो सैपलिंग है वो सुरक्षित बना रहे उसके चारों तरफ अराउंड द ट्री उसके चारों तरफ कांटों से बना हुआ जाल
उसके ऊपर रखते थे, ठीक है। टिल द सैपलिंग ग्रू न्यू लीव्स, कब तक रखा रहता था, जब तक कि प्लांटेशन सही से नहीं हो जाता था और वो जो छोटा सा सैपलिंग था वो रूट अच्छे से ना पकड़ ले जमीन में और उसमें दो तीन नई पत्तियां ना आ जाएं। हस्बैंड एंड वाइफ वाटर देम एवरी डे, हस्बैंड और वाइफ यानी कि वो जो कपल था वो पौधों को डेली पानी देता था। एवरी मॉर्निंग दे वुड लीव होम विथ टू पॉट्स ईच, हर सुबह दोनों पर्सन अपने हाथों में दो पॉट्स लेकर निकलते थे। फिल एंड रेफिल देम फ्रॉम पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑन द वे, और उसको भर लेते थे रास्ते में जहाँ उन्हें कुआं मिलता था या तालाब मिलता था। एंड वाटर द प्लांट्स ऑन द रोड, और जो रोड के साइड उन्होंने प्लांटेशन किया हुआ था उनमें पानी डालती थी। थिमाका वुड कैरी ए पॉट ऑन हर हेड एंड अनदर ऑन हर हिप, थिमाका जो वो लेडी थी वो एक घड़ा अपने सिर पर रखती थी और एक घड़े को अपने कमर के ऊपर रख कर लाती थी। एंड चिकाया वुड कैरी टू पॉट्स हैंगिंग फ्रॉम द एंड ऑफ ए पोल ओवर हिज शोल्डर, अब चिकाया क्या करता था कि चिकाया एक पोल में, ठीक है, लकड़ी का एक जो स्टिक होता है, ठीक है, उसके दोनों साइड में उन घड़ों को बांध लेता था रस्सी की हेल्प से और अपने कंधे पर रख कर लाता था। दे फिल्ड द पॉट्स 40-50 टाइम्स अ डे टू वाटर द सैपलिंग, ठीक है, एक दिन में वो 40-50 टम्स में पानी लाकर उन पर पानी डालते थे। बिकॉज दे प्लांटेड इन लॉट्स ऑफ नंबर द सैपलिंग्स, एवरी ईयर दे प्लांटेड 10-15 मोर सैपलिंग, दिस इज द रूटीन ऑफ देम टू प्लांट न्यू सैपलिंग। सो हर साल वो 10-15 नए छोटे पौधे लगाते थे। इट मीन्स मोर थ्रोनी ब्रांचेस टू प्रोटेक्ट देम, मोर वाटर टू ग्रो देम, इसका मतलब था कि जब आप 10-15 नए पेड़ लगा रहे हो तो आपको उनके लिए कांटों का जाल भी बनाना है और उनको पानी भी देना है। सून चिकाया क्विट हिज जॉब टू लुक आफ्टर द प्लांट्स, जल्द ही चिकाया ने पेड़ों की देखभाल करना छोड़ दिया। ही वुड स्पेंड ऑल डे ऑन द रोड साइड टेंडिंग टू हिज प्लांट्स, फिर उसने क्या किया, जो प्लांटेशन उसने कर रखा था बस वो उन्हीं पेड़ों की देखभाल करने लग गया। वाटरिंग, बिल्डिंग ट्रीज गॉड एंड शूटिंग एनिमल्स अवे, ठीक है, क्या काम करता था, जो प्लांटेशन वो कर चुका था उसमें उन्हीं पौधों में पानी डालना, ठीक है, बिल्डिंग ट्रीज गॉड और उस पेड़ को बचाने के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए रखवाली करना और एनिमल्स को तेज तेज आवाज़ देकर वहाँ से भगाना। द कपल डिड वन मोर थिंग दैट वॉज क्लेवर, जो कपल था वो एक और नई चीज़ करता था जो बहुत ही चालाकी से वो करते थे। दे प्लांटेड द सैपलिंग अवे फ्रॉम द एज ऑफ द रोड, ठीक है, तो जो वो प्लांटेशन करते थे लाइन से पंक्ति से करते थे, सीरियल वाइज करते थे और रोड की दोनों तरफ करते थे। सो व्हेन द रोड्स बिकम हाईवेज, ठीक है, जब कभी वो तो पहले छोटा सा रोड था, ठीक है, कच्चा रोड था, तो वो पहले ही इस चीज़ को समझ रहे थे कि कभी अगर फ्यूचर में ये रोड हाईवे बना, ठीक है, नॉट ए सिंगल ट्री हैड टू बी कट, तो किसी एक पेड़ को भी काटना ना पड़े, क्यों, क्योंकि वो उसके लिए जगह छोड़ रहे थे कि बाई चांस ये रोड अगर कभी स्प्रीड हो, फैले, हाईवे बने, तो बरगद का एक भी पेड़ काटा ना जाए। बी कट डाउन फॉर एक्सपेंडिंग द रोड, अगर रोड कभी चौड़ा हो तो इसको ना काटा जाए। थैंक यू बेटा एवरीवन, नाउ यू हैव टू रीड द स्टोरी बाय योरसेल्फ एंड थैंक यू ऑल ऑफ।